दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और उस हवाई जहाज की छत ही गायब हो जाए। यकीनन आप में से कोई भी ऐसी अनहोनी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन यकीन मानिए हवाई जहाज के इतिहास में ऐसा हो चुका है। एक ऐसी घटना जब हवाई जहाज जमीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर था और अचानक से एक तेज झटके के साथ हवाई जहाज की छत ही गायब हो जाती है। जो तीन लोग हवाई जहाज में यात्रियों की देखरेख में लगे थे, छत के गायब होते ही वे तीनों हवा में उड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी खतरनाक होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के इतिहास में हुए कुछ ऐसे ही सबसे खतरनाक घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। पहले नंबर पर आता है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 का। ये घटना है साल 1989 की, जब अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। हवाई जहाज को जिस पायलट के द्वारा उड़ाया जा रहा था वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनको हवाई जहाज उड़ाने का 67,000 घंटे से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था। मौसम बहुत सुहावना था, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। हवाई जहाज के भीतर 95 पैसेंजर बैठे हुए थे। हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और लगभग 12 मिनट के बाद हवाई जहाज 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है और अंदर बैठे हुए यात्रियों को एक तेज झटका महसूस होता है। जब तक अंदर बैठे यात्री कुछ समझ पाते, तब तक हवाई जहाज की छत गायब हो जाती है। यात्री देखते हैं कि हवाई जहाज के अगले हिस्से में छत का लगभग 18 फीट का एरिया गायब हो चुका है। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ होता है कि हवाई जहाज में काम करने वाले तीन एयर होस्टेस उसी वक्त हवा में उड़ जाती हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा, इस बात का अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि अंदर बैठे हुए सभी यात्री सीट बेल्ट लगाए हुए थे। यही वजह है कि एक भी यात्री की जान नहीं गई, सिर्फ उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई। पायलट की सूझबूझ की वजह से हवाई जहाज को उसी स्थिति में वापस रनवे पर सुरक्षित लैंड करा दिया गया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है स्पेन के एक छोटे से हवाई जहाज पर हुई एक खतरनाक घटना। हवाई जहाज के इतिहास में एक ऐसी घटना जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, अक्सर जो बड़े हवाई अड्डे होते हैं वहां पर हवाई जहाज के एक दूसरे से टकराने की घटना के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा छोटा सा हवाई अड्डा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रनवे है और जहां पर लिमिटेड हवाई जहाज आते हैं, अगर वहां पर दो यात्रियों से खचाखच भरा हुआ हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा जाए तो सोचकर भी हैरानी होती है। ये घटना है 27 मार्च 1977 की, जब स्पेन के टेनेरीफे हवाई अड्डे पर कोहरा जमा हुआ था। विजिबिलिटी कम होने की वजह से और बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से भी हवाई जहाज का ग्राउंड पर मौजूद रडार से संपर्क नहीं हो पा रहा। लो कम्युनिकेशन की वजह से दो बोइंग 747 हवाई जहाज जिसमें 646 यात्री सवार थे, दोनों ही हवाई जहाज रनवे पर एक दूसरे से टकरा गई। दोस्तों, टक्कर इतनी तेज थी कि हवाई जहाज में उसी वक्त आग लग गई और उसमें मौजूद 583 यात्रियों की तत्काल मौत हो गई। 63 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बाद में बचा लिया गया। दोस्तों, ये घटना इतनी खतरनाक थी कि स्पेन में आने वाले लोग बुरी तरह से डर गए। स्पेन के इस इलाके में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आया करते हैं, जिन्होंने इस हादसे की वजह से वहां पर जाना बंद कर दिया। दरअसल ये वो वक्त था जब हवाई जहाज के क्षेत्र में इतनी क्रांति नहीं आई थी। दोस्तों, ठीक ऐसी एक घटना तब हुई जब साल 1985 में जापान की फ्लाइट 123 इतनी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई कि उसमें सवार 524 लोग खत्म हो गए। दोस्तों, ये बात है 1985 की, जब 524 लोगों को लेकर एक हवाई जहाज टोक्यो से ओसाका की ओर निकल पड़ा था। मौसम इस बार भी बिल्कुल ठीक था और हवाई जहाज को टेक ऑफ करते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लगभग 12 मिनट के ट्रैवल के बाद हवाई जहाज में किसी खामी की वजह से हवाई जहाज का पिछला हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही हवाई जहाज का पिछला हिस्सा टूटता है, हवाई जहाज के अंदर बाहर से हवा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाई जहाज को बिल्कुल एयर टाइट रखा जाता है, यानी कि हवाई जहाज का माहौल ऐसा होता है कि अंदर की हवा न तो बाहर जा सकती है और न ही बाहर की हवा अंदर आ सकती है। यही वजह है कि पायलट हवाई जहाज को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जापान के हवाई जहाज का पिछला हिस्सा जैसे ही टूटा, हवाई जहाज असंतुलित हो गया। हवाई जहाज में तेज रफ्तार से बाहर की हवा अंदर आनी शुरू हो गई। पहले तो पायलट ने सोचा कि सिर्फ 12 मिनट की बात है, अब
हवाई जहाज को मोड़कर वापस एयरपोर्ट पर ले लेंगे। लेकिन हवाई जहाज के पिछले हिस्से से हवा पास होने की वजह से वो हवाई जहाज को मोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अगले 30 मिनट तक हवाई जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज को कंट्रोल कर पाना असंभव हो चुका था, जिसके बाद जापान का वो हवाई जहाज टोक्यो के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद एक पहाड़ी से जा टकराया। ये टक्कर इतनी ऊंचाई पर हुई और इतनी भयंकर थी कि उसमें मौजूद एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया। ये जापान के हवाई जहाज इतिहास के सबसे खतरनाक हवाई हादसे में से एक है। दोस्तों, ऐसे ही एक खतरनाक हवाई हादसा भारत के हवाई इतिहास में भी हो चुका है। अब हम आपको जिस हवाई हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं वो अपने आप में पूरी दुनिया का इकलौता हवाई हादसा है। दोस्तों, हमारे शहरों में मौजूद सड़कों पर तो इतनी गाड़ियों का रेला होता है कि वहां पर जब कोई गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाए तो बात नॉर्मल है, लेकिन इतने बड़े आसमान में अगर कोई हवाई जहाज आपस में टकरा जाए तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये घटना है साल 1996 में भारत की राजधानी दिल्ली की। एक हवाई जहाज अरेबियन एयरलाइंस की और दूसरा हवाई जहाज कजाकिस्तान एयरलाइंस का। अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर चुकी थी और अब उसे टेक ऑफ करके आगे की यात्रा पर निकलना था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना था। मौसम बिल्कुल साफ था, मौसम में कोई खराबी नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में जो भी लोग बैठे थे उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी, या फिर उनके अंग्रेजी बोलने की जो टोन थी उसे पायलट ठीक तरीके से नहीं समझ पाई। अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है कि इसी बीच कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी में लग जाती है। अभी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर ही बाहर आई थी कि गलत कम्युनिकेशन की वजह से कजाकिस्तान और अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट आपस में टकरा जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को दिखाई देता है कि सामने से एक हवाई जहाज आ रहा है, पायलट तुरंत अपने हवाई जहाज को ऊपर की तरफ उठा देते हैं, लेकिन वे दोनों ही हवाई जहाज इतने करीब आ चुके थे कि पायलट की ये तरकीब काम नहीं आई और अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मारती है। कहा जाता है कि एक कार की टक्कर में जितनी ताकत होती है उन दोनों हवाई जहाज की टक्कर उससे 700 गुना ज्यादा ताकतवर थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टक्कर की वजह से दोनों ही हवाई जहाज में मौजूद सभी 349 पैसेंजर्स की मौत हो गई। जिस वक्त इन दोनों ही हवाई जहाज की टक्कर हुई उस वक्त उनकी रफ्तार लगभग 550 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। कहा जाता है कि यह हवाई इतिहास का पहला ऐसा मामला था जब आसमान में दो हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा गए। इस हवाई हादसे की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बेइज्जती हुई थी। दोस्तों, एक ऐसे ही खतरनाक हादसा हुआ था हवाई जहाज में लगेज डिपार्टमेंट के द्वारा एक गलती की वजह से। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके सभी भारी सामान को पीछे कार्गो एरिया में रखवा दिया जाता है और जैसे ही आपकी यात्रा पूरी होती है आपका सामान वापस आपको दे दिया जाता है। लेकिन साल 1974 में सामान रखने वालों की हुई एक गलती की वजह से एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई। ये बात है टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट 981 की। सामान रखने वाले लोगों ने सभी सामान की लोडिंग तो कर दी, लेकिन उसका जो दरवाजा था उसे ठीक तरीके से लॉक नहीं किया। जैसे ही पायलट को कमांड मिलता है पायलट हवाई जहाज को टेक ऑफ कर देते हैं। शुरुआत में तो इस गलती की वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और 800 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है पीछे ठीक से लॉक नहीं हुआ दरवाजा खुल जाता है और तेज झटके की वजह से टूट जाता है। दरवाजे के टूटते ही हवाई जहाज के अंदर का माहौल गड़बड़ हो जाता है। हवाई जहाज के अंदर जैसे ही बाहर से हवा आनी शुरू होती है पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। पायलट हवाई जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाते और हवाई जहाज पूरी रफ्तार के साथ वापस जमीन की ओर आना शुरू हो जाता है। हवाई जहाज लगभग 780 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से अंदर मौजूद सभी 349 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, ये थे हवाई जहाज के इतिहास में हुए कुछ सबसे भयंकर हादसे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।